जो बात करने वाले हैं, ये आज हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन आया है और ये रेडमी का मोबाइल फ़ोन है। इस रेडमी का मोबाइल फ़ोन में लॉक लगा है। क्या लगा है? लॉक लगा है, पासवर्ड लगा है। तो यहाँ पर हम लोग जो ये सुबह अपना सुबह मॉर्निंग का बैच है, तो मॉर्निंग के बैच में हम सब लोग क्लास कर रहे हैं। तो आज जो हमारा जो केस स्टडी है, जो हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि कल को हमारे पास कोई भी कस्टमर का मोबाइल फ़ोन आएगा, कस्टमर के मोबाइल फ़ोन में कोई लॉक लगा होगा, जैसे इसमें पैटर्न लॉक लगा है। क्या लॉक लगा है? पैटर्न लॉक लगा है। अब पैटर्न लॉक लगा है तो इस लॉक को हमको क्या करना है? खोलना है। तो इस लॉक को खोलने के लिए सबसे पहले क्या तरीका होगा, ये आज आप वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि कैसे आप मोबाइल फ़ोन को लॉक खोलेंगे। लेकिन मोबाइल फ़ोन में लॉक खोलते समय इस बात का आपको पहले ध्यान ये देना है कि कोई भी कस्टमर अगर आपके पास लॉक खुलवाने के लिए आता है, तो आपको ये पूछना है कि भैया मोबाइल फ़ोन किसका है। अगर उसके मोबाइल फ़ोन में उसका कल को अगर खुद का डीपी लगा होता तो आप समझ सकते हैं कि चलिए भाई पासवर्ड लगा के भूल गया होगा, लेकिन इसमें डीपी अगर किसी दूसरे का लगा होता तो हो सकता है कि 1% के लिए मोबाइल फ़ोन चोरी का भी हो सकता है, या कोई दूसरा आदमी भी आपके पास आकर के लॉक खुलवा सकता है। तो कल को अगर आपके पास कोई दिक्कत होती, कोई परेशानी होती, तो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि उस आदमी के बारे में आप जानते नहीं तो आप उसको बता नहीं सकते। तो अगर किसी अनजान आदमी का अगर लॉक खोलते हैं तो आप उससे हमेशा आईडी प्रूफ ज़रूर ले लें। जैसे आप उनसे बोल दीजिए कि भाई अपना आधार कार्ड दे दीजिए। आधार कार्ड देने से क्या, अगर उनका मोबाइल फ़ोन होगा तो उनको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर मोबाइल फ़ोन किसी और का है तो आपको कभी भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, तो इस चीज़ को सेफ्टी को लेकर के आप चल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि किसी मोबाइल फ़ोन में 100, 150, 200 रुपये लॉक खोल करके लेना, 300 रुपये लेकर के लॉक खोलना बड़ी बात नहीं होती। हमेशा काम ऐसा करो जिससे आप मार्केट में ज़िंदगी भर टिके रहो। ऐसा 2 दिन सावन की तरह मत रहो कि कभी बरसों गर्जो निकल जाओ। हमेशा ऐसे रहो कि हमेशा ज़िंदगी भर सूरज की तरह हमेशा जगमगाते रहो, बादल की तरह नहीं कि जब सूरज आए तो हट जाए, तो ऐसा कभी सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, बिल्कुल आप पक्के तरीके से काम करो, आईडी ले लीजिए। आईडी लेने के बाद इस मोबाइल फ़ोन में लॉक लगा है तो इस मोबाइल फ़ोन में हम लोग लॉक को क्या करेंगे, खोलेंगे, लॉक तोड़ेंगे। उस लॉक तोड़ने के लिए सबसे पहले रेडमी का मोबाइल फ़ोन है तो इसके अंदर हमको ये देखना पड़ेगा कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर सीपीयू कौन सा लगा है, क्योंकि चाइनीज मोबाइल फ़ोन है। सैमसंग को, आईफोन को छोड़ करके जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं, सारे चाइनीज कैटेगरी मोबाइल फ़ोन आते हैं। जब सारे चाइनीज कैटेगरी मोबाइल फ़ोन आते हैं तो उनकी जो रिपेयरिंग होती है वो टोटली सीपीयू बेस्ड रिपेयरिंग होती है। किसके बेस रिपेयरिंग होती है? सीपीयू बेस्ड रिपेयरिंग होती है। तो हमको सबसे पहले बात देखना पड़ेगा कि इसके अंदर सीपीयू कौन सा लगा है। तो ये रेडमी का कौन सा मॉडल है? नोट 8। तो रेडमी का नोट 8 मॉडल है। तो नोट 8 मॉडल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गूगल से पता करना पड़ेगा कि इसके अंदर सीपीयू कौन सा लगा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जेएसएम अरीना में जाएंगे, गूगल खोलेंगे अपने मोबाइल फ़ोन में। हम लोग यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे रेडमी, नोट 8, जेएसएम अरीना। जैसे आप रेडमी नोट 8 का जेएसएम अरीना करके सर्च करेंगे, यहाँ पर खुल जाएगा। हम इसके अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर सीपीयू कौन सा लगा, चिपसेट कौन सा लगा है, क्योंकि चिपसेट लगे होने से, देखने से हमारे दिमाग में ये खुल जाएगा कि हमको इसमें करना क्या है। सबसे पहली बात, ये मोबाइल फ़ोन का फ़ोटो खुल गया है। अगर इस मोबाइल फ़ोन को फ़ोटो से मिलाएंगे तो देखिए, यहाँ पर फ्लैश लाइट है, 4 कैमरा है, यहाँ पर रेडमी लिखा है, आगे नोच डिस्प्ले है, सेम है, सेम लग रहा है ना, यहाँ भी रेडमी लिखा है, यहाँ भी रेडमी लगा है, मतलब मॉडल सेम है। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे इसके प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो प्लेटफॉर्म में ये लगा हुआ है क्वालिकॉम ऑक्टा कोर प्रोसेसर, ठीक। जब क्वालिकॉम प्रोसेसर लगा है तो रेडमी का मोबाइल फ़ोन है तो 100% इसके अंदर आइडियल पॉइंट होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेंगे रेडमी
नोट एट ईडियल पॉइंट। ये सारी बातें गूगल को उपलब्ध होती हैं, किसी को याद नहीं रहती, कितना भी बड़ा रिपेयर करने वाला टेक्नीशियन क्यों ना हो, या तो वो जब काम करते करते उसकी एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसको पता चलता है, या तो कल को कोई नया मॉडल आएगा तो उसको नहीं याद होता, उसको भी गूगल पे देखना होता है। अब इसमें इमेजेस को ओपन करेंगे, इमेजेस ओपन करने के बाद उसकी पिक्चर खुलेगी, उस पिक्चर से तुमको ये क्लियर हो पाएगा कि इसका आइडियल पॉइंट कहाँ दिया हुआ है। अगर इस मोबाइल फोन में जब आप इसको ओपन करते हैं, देखिए जैसे आपने फोटो को खोला, तो फोटो खोलने के बाद जब आप इस फोटो में देखेंगे तो जहां पर ये पत्ता लगा हुआ है, बैटरी लगा है, इसमें एक डिस्प्ले या यूआई का पत्ता होगा, उसके बीच में जो दो पॉइंट दे रखे हैं ये इसके आइडियल पॉइंट है। अब इस आइडियल पॉइंट को रिपेयर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका पीछे का बैक ग्लास ओपन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बैक ग्लास ओपन करना पड़ेगा। बैक ग्लास ओपन करने के बाद मोबाइल फोन को कनेक्ट कराएंगे, तब हम मोबाइल फोन को रिपेयर कर पाएंगे। जब तक किसी भी मोबाइल फोन को आप इंटरनेट से, गूगल से या इससे कनेक्ट नहीं कर पाते, तब तक आप उसमें सॉफ्टवेयर की रिपेयरिंग नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप मेरे पास आइए सब लोग, ताकि मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका बैक ग्लास को हम लोग ओपन कैसे कर पाएंगे। आप लोग इधर, आप लोग यहीं पास में रहो, तुम लोग यहीं से देख सकते हो, बाकी आप लोग आ जाइए। इसका बैक ग्लास है, अगर आप देखेंगे इसका पीछे का ग्लास दिया हुआ है, मतलब ये नहीं है कि मतलब कंपनी ने प्लास्टिक का दिया हो, ये प्लास्टिक है, ये सेम उसी तरीके के पैनल की तरह केस आया है कि ये प्लास्टिक है और ये ग्लास है। तो ग्लास को उतारने के लिए आपको सेफ्टी का यूज करना है, वरना ग्लास चटक जाएगा, टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा, है ना, इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। हाँ, प्लास्टिक नहीं है, कांच है, मतलब फोन को ऐसा बना है, इधर से देखो तब भी ऐसा लगता है, इधर से देखो तब भी ऐसा लगता है, क्योंकि कांच है, इतना लुक अच्छा करने के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, इस मोबाइल फोन को पहले स्विच ऑफ करेंगे, ये देखिए इस मोबाइल फोन में लॉक लगा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, इस मोबाइल फोन को पहले स्विच ऑफ करेंगे, क्या करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे। जब हम मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर देंगे, पीछे का बैक ग्लास खोलेंगे। पीछे का बैक ग्लास खोलने के लिए आप सेपरेटर से भी खोल सकते हैं, हॉटगन से भी खोल सकते हैं। मशीन को ऑन करेंगे, मशीन को ऑन करने के बाद 300-350 टेम्परेचर पर रखेंगे, एयर को फुल कर देंगे। आप हॉटगन से क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, सर्जिकल ब्लेड है, वो ब्लेड है क्या, ब्लेड ये वाला है, ब्लेड नहीं चाहिए, वो वाला चाहिए सेविंग वाला। सेविंग वाला ब्लेड चाहिए। तो ये पीछे का बैक ग्लास हमने क्या कर लिया है, ओपन कर लिया, ठीक, ओपन हो गया, बैक ग्लास टूटा तो नहीं, अच्छी तरह से ओपन हो गया, अच्छी तरीके से ओपन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस बैक ग्लास को अलग करेंगे, यहाँ पर ये फिंगर लगा हुआ है, तो इस फिंगर को क्या करेंगे, पहले हटा देंगे। फिंगर हटाते ही पीछे का बैक ग्लास क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, आप इसको अलग रख दीजिए। अब उसके बाद हमको इसको कनेक्ट कराने के लिए आइडियल पॉइंट चाहिए था, क्या चाहिए था, आइडियल पॉइंट। इसको ड्राइवर दीजिए प्लस वाला, तो इसके नीचे आइडियल पॉइंट दिया, तो इसके नीचे आइडियल पॉइंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मोबाइल फोन खोलना पड़ेगा।
लोग क्या करेंगे, इसका पीछे का बैक ओपन कर लेंगे, कोई भी देख लेंगे, चारों तरफ से कोई स्क्रू नहीं लगा हुआ है, खुल गया है। अब इसके अंदर देखेंगे, उसमें बता रहा था कि ये ईडीएल पॉइंट है ना, तो ये दोनों ईडीएल पॉइंट ये हुए हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बैटरी डिस्कनेक्ट करेंगे। बैटरी डिस्कनेक्ट करने से हमारा मोबाइल फ़ोन बंद हो गया। मोबाइल फ़ोन बंद होने के बाद बैटरी को फिर से दोबारा लगा देंगे। बैटरी लगाने के बाद अब हमको मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करना है। मोबाइल फ़ोन कनेक्ट करने के लिए सबसे पहला काम, प्राइमरी चीज़ है, ये देखिए ये वाले जो दोनों पॉइंट है, ईडीएल पॉइंट है। हम क्या करेंगे, सिस्टम को ऑन करेंगे। सिस्टम ऑन करने के बाद पावर ऑन करें स्क्रीन को। पावर कहीं लिखा है, अब इसको लॉक खोलने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको अपने सिस्टम में डोंगल लगाना पड़ेगा। लगाओ, डोंगल लगाने के बाद जब डोंगल आप अपने सिस्टम में लगा देंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूसी फायर को ओपन करेंगे। किसको ओपन करेंगे, क्यूसी फायर, क्योंकि क्वालिकॉम सीपीयू लगा है तो हम किसी ओपन किसको करेंगे, क्यूसी फायर को। क्यूसी फायर जो हमारा सॉफ्टवेयर रहता है, ये क्वालिकॉम सीपीयू को रिपेयर करता है। किसको रिपेयर करता है, क्वालिकॉम। अब टाइप सी के डाटा खोल लीजिए अपने। ये क्यूसी फायर सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो चुका है। इसको आप ऐसे उठा करके साइड में रख लेंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, माई कंप्यूटर में जाकर के राइट क्लिक करके मैनेज में जाना है। अब आपको डिवाइस मैनेजर खोलना है। क्या खोलना है, डिवाइस मैनेजर। अब डिवाइस मैनेजर हम लोग क्यों खोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मोबाइल फ़ोन के कनेक्टिविटी को देखेंगे कि हमारा मोबाइल फ़ोन कनेक्ट हो रहा है कि नहीं कनेक्ट हो रहा है। क्योंकि जब कनेक्ट होगा तभी तो हम रिपेयर कर पाएंगे, जब तक कनेक्ट ही नहीं होगा तो रिपेयर नहीं कर पाएंगे। अब हमको क्या करना है, चिमटी लेना पड़ेगा। चिमटी लेना, चिमटी, ट्वीजर, चोरी। तो चोरी को शॉर्ट कराएंगे। दोनों पॉइंट को शॉर्ट कराने के बाद इसको हम कनेक्ट करेंगे। देखिए आपका कंप्यूटर पोर्ट बनाएगा। कंप्यूटर ने पोर्ट बना लिया, पोर्ट काम। ये देखिए कहीं लिख क्या रहा है, पोर्ट क्वालकॉम एच, क्वालकॉम एसएच क्यू लोडर कॉम 9 लिख क्या रहा है। हाँ, जैसे शॉर्ट करके डाटा के भी लगाएंगे तो कंप्यूटर से क्या हो जाएगा, पोर्ट बनाएगा। जब कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएगा तो फोन हमारा कनेक्ट हो गया। अब आपको रीड एंड टूल में जाना है। कहाँ जाना है, रीड एंड टूल, रीड एंड टूल में जाना है। रीड एंड टूल में क्वालिकॉम में जाकर के एनी मॉडल को रहने देना है, क्योंकि एमआई के फोन में मॉडल लेने की जरूरत नहीं। अब यहाँ से आपको फॉर्मेट एफएस लेना है और एग्जीक्यूट कर देना है। जैसे एग्जीक्यूट कर देंगे तो क्या करेगा, डू यू वांट टू सेव मोड फॉर्मेट, आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, यस कर दीजिए। जैसे यस करेंगे तो ये आपके मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करेगा। ये देखिए कॉम 9 लिख के आ गया, मतलब हमारे फ़ोन को पकड़ लिया है, यहाँ से फॉर्मेटिंग चालू हो गई। कॉम, ये कॉम, कॉम 9 लिख के आया ना, तो पकड़ लिया, मतलब
फोन को फॉर्मेट कर दिया, कहता है FRP भी तोड़ना चाहते हो, यस कर दीजिए तो FRP भी तोड़ देगा, फिनिश, ठीक, फोन छोड़ दिया, लॉक टूट गया। पूरा फोन खाली हो गया, अब कुछ नहीं बचेगा उसमें, पूरा फोन नया हो जाएगा। तो हमारा मोबाइल फोन क्या हो जाएगा, हमारा मोबाइल फोन बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे पहले नया, फ्रेश न्यू। आप सीधे ही देखना डायरेक्ट। दोबारा खींचना पड़ेगा तुमको। अरे गूगल बैकअप कवर से आ जाएगा। अरे डाटा पेंच करेगा। मुझे बड़ा अफसोस है मेरा। जी मैं तो देखिए अगर डालने वगैरह नहीं आप आएंगे अगर डालने तो ये मोबाइल फोन हमारा क्या है, पूरा फॉर्मेट हो चुका है, पूरा मोबाइल फोन खाली हो चुका है। अब फोन चालू होगा, फोन को ऑन होने में थोड़ा सा समय लगता है, 2-4-5 मिनट का समय लगता है, 2-4-5 मिनट के बाद मोबाइल फोन ऑन होगा। देखते हैं इसके, कई बार ऐसा होता है जब फोन को फॉर्मेट सेफ मोड में फॉर्मेट करते हैं तो आपके मोबाइल फोन के सेटिंग सारी फॉर्मेट हो जाती है, मोबाइल फोन के और भी लॉक यूजर सब फॉर्मेट हो जाता है, लेकिन स्टोरेज कई बार बच जाता है। स्टोरेज का मतलब होता है गैलरी की जो फोटो होती हैं वो बच जाती हैं, वो फोटो आपको निकल आती हैं। अब ये ऑन होगा तभी पूरा क्लियर पता होगा। फोन फॉर्मेट हो गया, हम लोग क्या करेंगे, आगे जाएंगे। नेक्स्ट तो ये हमारा मोबाइल फोन बिल्कुल अब सेटअप कंप्लीट हो रहा है। सेटअप कंप्लीट होने के बाद स्क्रीन हमारी आ जाएगी, जब स्क्रीन आ जाएगी तो आपका मोबाइल फोन क्या हो जाएगा, पूरा ऑन हो जाएगा। देखिए ये हमारे मोबाइल फोन का लॉक खुल गया, टूट गया, ठीक, लॉक टूट गया। तो ये हमारे मोबाइल फोन लॉक खुल चुका है, हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल फोन को पूरा पैक करेंगे, गले चले गए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जैसे हम लोग रिपेयरिंग करने वाले टेक्नीशियन होते हैं तो हम लोग के पास जब कोई मोबाइल फ़ोन बनवाने आता है तब मोबाइल फ़ोन बनवाने के बाद वो कहता है भैया इस मोबाइल फ़ोन में पासवर्ड लगा है तो इस मोबाइल फ़ोन को खोलना मत, खास करके क्या कहता है, खोलना मत। तो हमने कहा क्यों नहीं खोलेंगे, क्योंकि हमको फ़ोन चेक करने के लिए तो चाहिए होता ना भाई, कॉम्बो डालोगे कुछ भी डालोगे तो पासवर्ड तो पता होना चाहिए। अब वो कह देता है फोन, चलो पासवर्ड बता दे रहा हूँ लेकिन तुम फोन को खोलना मत, देखना मत। अब ये समझ लीजिए कोई भी फोन तुम ठीक करोगे तो जब उस फोन को रिपेयर करोगे तो तुम सोचोगे इसके अंदर कौन सा डाटा छुपा हुआ है। सही बात है, ना चाहते हुए उंगली करोगे जरूर। हाँ बात कही थी और खास तौर पर अगर कोई कस्टमर अगर वो फीमेल हुआ अगर उसने बोल दिया कि हमारे फोन को खोलना मत, इतना ध्यान नहीं रहा लेकिन
ये हमारा पूरा मोबाइल फोन चल रहा है, एमएमसी उतार के बैकअप दे दे। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस मोबाइल फोन का लॉक खोला। तो कोई भी मोबाइल फोन आता है तो उस मोबाइल फोन का जब भी आप लॉक खोलेंगे या सॉफ्टवेयर का कोई भी काम करेंगे तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे कि कैसे आपको काम करना है, किस सेफ्टी के पर्पस पे काम करना है, उसका तरीका क्या होगा, स्टेप क्या होगा। मतलब एक मोबाइल फ़ोन का ना लॉक खोलने का मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि ऐसे मोबाइल फ़ोन में आएगा तो आप लॉक खोल करके देंगे। और कस्टमर से आईडी प्रूफ का जरूर आप आग्रह करेंगे, भाई अपना आईडी दे दीजिए, अगर आप उनको जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं जानते तो आप जरूर करें, आईडी जरूरी है। ठीक है, ये लीजिए, मिस्टर दे दीजिए, बाकी आप बात कर लीजिएगा।